कुछ कौमें वाकई जूतों के काबिल होती हैं। एक नेक दिल बादशाह अवाम से तंग आ गया और एक दिन अपनी सल्तनत को छोड़कर जाने लगा। वजीर से बोला, तुम जानो और ये अवाम, मैं जा रहा हूं। बादशाह के साथ सल्तनत में झाड़ फूंस करने वाला एक खाकरूप भी साथ हो लिया। बादशाह खाकरूप से बोला, मैं तो पता नहीं कहां कहां धक्के खाऊंगा, तुम क्यों मेरे साथ हो लिए? खाकरूप बोला, बादशाह सलामत, आप सल्तनत के मालिक थे तो खिदमत की, आगे भी जब तक सांस रही खिदमत करूंगा। और गरज दोनों चलते चलते एक दूसरे मुल्क पहुंचे जहां का बादशाह वफात पा चुका था और नए का चुनाव होना था, जिसका तरीका ये था कि मुल्क की सारी अवाम एक बहुत बड़े ग्राउंड में जमा हो जाती और एक परिंदा उड़ा दिया जाता। ये परिंदा जिसके सर पर बैठ जाता वही बादशाह बन जाता। बादशाह ने खाकरूप से कहा, चलो हम भी ये तमाशा देखते हैं कि कौन बादशाह बनता है। अलगरज वो दोनों भी मजमे में शामिल हो गए। परिंदा उड़ाया गया। ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद परिंदा उस खाकरूप के सर पर आ बैठा। उस मुल्क की अवाम और वजरा ने खाकरूप के सर पर बादशाहत का ताज रख दिया। खाकरूप जिस बादशाह के साथ आया था उससे बोला, बादशाह सलामत, आप भी मेरे साथ सुकून से महल में रहें। बादशाह बोला, नहीं, बादशाहत वाली जिंदगी से मैं उकता चुका हूँ, बस मैं महल से बाहर एक झोंपड़े में रह लूंगा। तो खाकरूप बोला, ठीक है, दिन में बादशाहत करूंगा और रात को आपके साथ रहूंगा। खाकरूप की बादशाहत का पहला दिन था, दरबार लगा हुआ था। इतने में एक फरियादी आया और कहा, फलां बंदे ने मेरी चोरी की। खाकरो बादशाह ने कहा, फौरन चोरी करने वाले को हाजिर किया जाए। जब मतलूबा बंदा आया तो खाकरो बादशाह ने हुक्म दिया कि चोर और जिसकी चोरी हुई है दोनों को 20-20 कोड़े मारे जाएं। सब हैरान हुए कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन बादशाह का हुक्म था। थोड़ी देर बाद एक और फरियादी आया और बोला, बादशाह, फलां शख्स ने मुझे मारा है। तो खाकरूप बादशाह ने फिर वही हुक्म दिया कि जालिम और मजलूम दोनों को 20-20 कोड़े मारे जाएं। अलगरज दिन में जितनी फरियादें आईं उसने जालिम और मजलूम दोनों को कोड़े मारने का हुक्म दिया। रात को जब खाकरूप बादशाह की झोंपड़ी में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, ओ भाई, ये सब क्या तमाशा था, तुमने सबको पिटवा दिया, लोग कह रहे हैं बहुत जालिम बादशाह है। तो वो खाकरूप बोला, आलीजा, अगर इस कौम को एक नेक और अच्छे बादशाह की जरूरत होती तो वो परिंदा मेरे सर पर बैठने की बजाय आपके सर पर बैठता। ये जैसी कौम है उसको वैसा ही हुक्मरान मिला है। कुछ कौमें वाकई